हेलो माय लवली व्यूअर, वेलकम बैक विजेता ब्लॉग। अगर आप भी अपने फेस पे नेचुरल ग्लो चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पर्ल फेशियल। इसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप ही फॉलो करने हैं और इसी से आप अपने फेस पे एक अमेजिंग सा इफेक्ट देख सकते हैं। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, कि मार्केट के फेशियल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई भी हार्म केमिकल्स वगैरह नहीं है जो कि आपके स्किन को ये नुकसान पहुंचा सके। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे हमें कैसे रेडी करना है। तो इसे रेडी करने के लिए हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो आपको ये दिख रहा है बाउल में वाइट वाइट सा, इसे हम जो है बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम फास्ट वगैरह रहते हैं तो यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्यूट सा ये मोती की तरह से दिख रहा है। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि ये क्या है। ये साबुनदाना है जिसे हम फास्ट वगैरह में यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आज हम इसी का यूज़ करेंगे। ये आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। हो सकता है कि अभी आपके किचन में पड़ा भी हो तो आप फटाफट इसको लो, 2 स्पून काफ़ी है, ठीक है। इसे अच्छे से वॉश कर ले। वॉश करने के बाद थोड़ा इसको पानी में भिगो के रख दे, ये साइज से डबल हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें और एक्स्ट्रा पानी डालना है। और पानी डालने के बाद इसे हम गैस पे पकाएंगे। थोड़े देर में ही बिल्कुल जो ये पक जाता है, बिल्कुल आपको वाइट वाइट सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। उसके दाने पकने स्टार्ट हो चुके हैं, ये जेल में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस इसका हमें जेल ही चाहिए, ठीक है। तो बस इसे हम अच्छे से पका लेंगे और जब ये पक जाएगा, जब बॉयल होने लगेगा, तब हम गैस को बंद कर देंगे। अगर बहुत अच्छे से नहीं पका तो आप इसको छान भी सकते हैं। मेरा बहुत अच्छे से पक गया था, बिल्कुल जेल बन चुका था, तो मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे ले लिया। इतना काफ़ी है फेशियल के लिए। इसी से हम सारे स्टेप अपना रेडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट स्टेप बनाएंगे, वो हमारा है स्क्रब, ठीक है। तो स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे 2 स्पून तक राइस फ्लोर ले रही हूँ। आपको बस चावल का आटा ले लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है इसके जो दाने होते हैं। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेल को, उतना जेल ऐड करें जितना कि ये स्मूथ पेस्ट बन सके। नेक्स्ट इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं कर्ड, यानी कि दही। मेरा स्पून बहुत ज़्यादा छोटा है तो ये सब कुछ 2 स्पून आपको लग रहा है, लेकिन 1 स्पून सब कुछ काफ़ी है, ठीक है। तो बस इसे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा फेवरेट इंग्रेडिएंट, जो कि है हनी। हनी हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन पे हमारे से बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो बस इसके बाद हम ऐड करने वाले इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस। अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये भी हमारे स्किन पे ग्लो लाने के साथ साथ डेड स्किन को रिमूव करता है, नेचुरल ब्लीच का काम करता है, ठीक है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा स्क्रब जो है बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। अब इसे अपने हम फेस पे भी अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर ले, जो कि मैं ऑलरेडी करके बैठी हूँ। किसी भी क्लींजिंग की हेल्प से या फेस वॉश के यूज़ से भी आप अपने फेस को क्लीन कर ले, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप को स्किप कर दिया है, डायरेक्ट जो है मैं स्क्रब बना दिया, क्योंकि सेकेंड में स्क्रब आता है, तो मैंने स्क्रब को ही फर्स्ट में रख दिया है। अब इसे फिंगर की हेल्प से लेके हम अपने पूरे फेस पे हम स्क्रब करना स्टार्ट कर देंगे। स्क्रब हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे फेस पे जो ड्राई डेड स्किन होते हैं उनको रिमूव कर देता है, जो भी डस्ट वगैरह होते हैं उनको बहुत ईजिली रिमूव करके हमारे पोर्स को डीपली क्लीन कर देता है, जिससे हमें जो है ब्लैक हेड, वाइट हेड और यहाँ तक कि पिंपल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इसके बाद जो भी हम अप्लाई करते हैं मसाज क्रीम वगैरह, तो ये हमारे स्किन को और भी अच्छे से इफ़ेक्ट देता है। तो बस हमें स्क्रब कम से कम 2 मिनट तक बहुत ही लाइट हैंड से करना है, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है। अच्छे से मसाज करने के बाद जो है आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो मैंने कर लिया अभी मसाज, अब इसे हम नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। अब जो है हम सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें हमें मसाज क्रीम रेडी करना है। तो हम एक छोटा सा बॉल ले लेंगे और उसके अंदर इसी जेल को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 स्पून तक जेल आपका काफ़ी है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे एलोवेरा जेल। तो मैं मार्केट वाला जेल यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो उसका यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास जो नेचुरल्स वाले एलोवेरा जेल होते हैं उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमें तुरंत यूज़ करना है, इसे रखना नहीं है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम दही, ठीक है। अब इन्हें हम अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा ये मसाज क्रीम बनके बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर जो हमने दही ऐड किया था वो हमारे स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे, क्योंकि थोड़ा सा ये ऑयली होता है, ओके। तो अब इसे फिंगर की हेल्प से मसाज करना स्टार्ट करेंगे। और आपको
तब तक मसाज करना है कि जब तक कि पूरा का पूरा जो है आपके पोर्स के अंदर बहुत ही डीपली ना जाए, ठीक है। आपको कम से कम 2 से 5 मिनट तक आप मसाज कर सकते हैं। तो बस लाइटली हैंड से आप स्टार्ट हो जाइए और जम के मसाज करिए। आप जब आप मसाज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपके फेस पे ग्लो आने स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि साबूदाना के अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अंदर जो है भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, कॉपर और सेलिमेंट्स पाए जाते हैं। यहाँ तक इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और विटामिन बी, विटामिन सिक्स और विटामिन B12 भी इसके अंदर पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है, सोडियम पाया जाता है। ये मतलब सेहत का ये भरपूर खजाना है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो अभी मैंने कर लिया है मसाज अपना कंप्लीट। अब एक फेस टॉवल की हेल्प से इसे हम रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इसे वॉश भी कर सकते हैं। अब जो है आपको अपने फेस पे बहुत अच्छा सा ग्लो दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे जो कि है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए जो जेल बच गए थे हम उसका यूज़ करेंगे और जो हमारा दही बच गया था वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसके अंदर जो है हम हनी भी ऐड करेंगे, ठीक है। और हनी ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना है। मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप जो है कोई भी फेस पैक ऐड कर सकते हो जो आपको स्किन को सूट करे, जैसे मुल्तानी मिट्टी, बेसन, या फिर आप जो है इसके अंदर रोज पैक भी ऐड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि आपकी स्किन को सूट करे उससे आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये जो कॉर्नफ्लोर है स्किन को वाइटनिंग करने में, स्किन को टाइट बनाने में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, तो मैंने इसका यूज़ किया है। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये फेस पैक बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम फटाफट अपने फेस पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो बस फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे हम अच्छे से लगा लेंगे। अच्छा, मैंने पहले सारे स्टेप को, यानी कि जो स्क्रब मसाज क्रीम पैक था, पहले अच्छे से बना लिया था। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अपने फेस पे मैं अप्लाई करने लगी थी ताकि बीच बीच में हमें उठना ना पड़े, ठीक है। तो अगर आप फेसियल नहीं भी करना चाहते तो सिर्फ और सिर्फ इस पैक को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे आपको बस 10 से 15 मिनट तक फेस पे छोड़ना है और जब ड्राई हो जाएगा तब आपको फेस को वॉश कर लेना है। अगर आप सिर्फ फेस पैक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वीक में 3 बार करना, फेशियल कर रहे हैं तो आपको मंथ में 1 से 2 बार काफी है, ठीक है। तो अगेन मैं इस फेस टॉवल की हेल्प से अच्छे से इसे रिमूव कर दूंगी। ये बहुत अच्छा फेस पैक का काम इसलिए करता है क्योंकि साबूदाने के अंदर जो है भरपूर मात्रा में स्टार्च पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिमूव करता है, एंटी एजिंग का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा फेस पैक माना जाता है। तो डेफिनेटली आप इसे जरूर ट्राई करें। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। रिमूव करने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन लग रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद नोटिस कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट लग रही थी, काफ़ी स्किन प्लम्पी सा फील हो रहा था मुझे और बार बार मैं इसे टच कर रही थी। तो बस अभी यहाँ पे सारे स्टेप होते हैं कंप्लीट और आप ग्लो मेरे फेस पे नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।